नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। रुक कर लेते खबरों की ओर। इनेलो बीएसपी के हरियाणा बंद का बहादुरगढ़ में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। यहां इनेलो नेताओं ने हाथ जोड़कर खुली हुई दुकानों को बंद करवाया। दरअसल बहादुरगढ़ में बंद को सफल बनाने के लिए इनेलो नेता अलग अलग टीमें बनाकर बाजारों में घूम रहे हैं। खुली हुई दुकानों के सामने जाकर हाथ जोड़कर दुकान बंद करने का निवेदन भी कर रहे हैं। इनेलो नेताओं का कहना है कि इस बंद के जरिए वे सरकार को जनता की परेशानियों से अवगत कराना चाह रहे हैं। वे सरकार को बताना चाहते हैं कि जनता महंगाई से तंग आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करती जा रही है। इनेलो नेता नरेश जून ने झज्जर रोड पर दुकानों को बंद करवाते हुए कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी सरकार ने एसवाईएल निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। समाज पार्टी दोनों ने मिलकर 8 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। इसे भाजपा सरकार ने जो लोगों पर महंगाई की मार घेरी है, जो एसवाईएल का पानी का मुद्दा लेकर जब कोर्ट ने हमारा हक देने का काम किया है तो ये सरकार हमारा हक नहीं देती। जो नोटबंदी की है, जो जीएसटी की है और तेल में जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस सब के विरोध में इंडियन नेशनल और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने मिलकर हरियाणा बंद का आह्वान किया है। और व्यापारी भाइयों से निवेदन करते हुए हम उनके सबके दुकानदार भाइयों के पास जा रहे हैं कि आज हमें सहयोग करें और इस बीजेपी सरकार को बता दें कि हरियाणा प्रदेश में जो इन्होंने जुल्म और ज्यादती कर रखी है, कभी जात पात के नाम पर, कभी हमारे कर्मचारी साथियों को ठगने का काम करते, कभी उनको ऐसमा लगाते हैं, इन सब चीजों के विरोध में आज हरियाणा बंद रहेगा और पूर्णतः बंद रहेगा। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के गांव पावटा में प्रशासन ने शमशान घाट में तोड़फोड़ जाने के बाद गांव के सैकड़ों लोगों ने प्रशासन और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भारत चेयरमैन का पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार भी किया। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप था कि शमशान घाट के सामने आरसी जुनेजा नामक व्यक्ति होटल बना रहा है और वे ये नहीं चाहते कि उसके होटल के सामने शमशान घाट रहे। दिया गया और 20 साल बाद में कृष्णपाल के थ्रू हमको कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और आकर के तुड़वा दिया गया। आज गांव पावटा फरीदाबाद के लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर और उसके यहां सहयोगी हैं तनेजा और भारत चेयरमैन, इनके पुतले फूके। शमशान घाट में वो लोग आए, इसमें काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष थे जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ नारे लगा रहे थे, भारत चेयरमैन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन लोगों में इस बात का गुस्सा था कि इनका शमशान घाट बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया है, जिसका मुकदमा अब भी अदालत में विचाराधीन है। इनका सीधा सीधा आरोप है कि इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भारत चेयरमैन और यहाँ जो जुनेजा है जिसका शमशान घाट के सामने होटल बन रहा है, उनकी मिलीभगत है। गांव वालों का ये कहना है कि हम जिएंगे तो यहीं, मरेंगे तो यहीं। नूह जिले के गांव बिछोर में शुक्रवार को उजीना ड्रेन के पास पशु चारा लेने गई 3 सगी बहनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने शवों को नहर से बाहर निकाला। बिछोर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया अस्पताल भेज कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। मामले को लेकर डीएसपी सुखवीर सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा और कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। ये जनाब सुलेमान की लड़की है और ये चारा लेने के लिए गई थी। एक लड़की पैर धोने लगी, फिसल गई। दूसरी लड़की उसके लिए भागी, वो भी फिसल गई। तीसरी उसके लिए गई तो वो भी जो है उसमें चली गई और तीनों जो है डूब गई। और डूबने पर सुबह सुबह गाँव देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पाई है, पानी ज्यादा होने वाले जो है। पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि उजीना ड्रेन में जो है 3 लड़कियों की डूबने से मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंच करके और अपनी 174 की कार्रवाई आरंभ कर पहुंची। उसके पहले ही गांव वालों ने डेड बॉडी को बाहर निकाल दिया। बढ़ते आगे, जींद के सुदकन खुर्द गांव के छोटे से किसान परिवार की बेटी विकास राणा ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। विकास राणा ने 5,642 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। विकास राणा ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भारत की बेटियां हर ऊंचाई हासिल कर सकती हैं, जरूरत है बस उन्हें घर से बाहर निकालने की।
बता दें कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड में भी विकास राणा का नाम है। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने माउंट एल्ब्रुस को समिट कर लिया है, उस पर फतेह कर लिया है, अपने देश की आन बान शान तिरंगा को लहरा दिया है। उसके साथ मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं बनाया था। माउंट एल्ब्रुस से स्की डाउन किया और एक नया रिकॉर्ड अपने देश के नाम किया। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा परिवार, मेरा गांव हरियाणा और भारत, जिन्होंने हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और इस उपलब्धि के लिए मुझे राजपूत समाज ने स्पॉन्सर किया था, तो उसके लिए उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक मैसेज देना चाहती हूँ बेटियों के नाम, कि अगर बेटियों को थोड़ा सा भी सपोर्ट और थोड़ा सा भी सहारा मिले तो बेटियां क्या नहीं कर सकती। हर चोटी पे वो एक फतेह करेंगी और नया रिकॉर्ड बनाएंगी। किसी भी फील्ड में लगा लो, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन उनको थोड़े से सहारे की जरूरत है। यमुनानगर में पुलिस के जरिए सीएमओ की शिकायत पर चार बहुउद्देशीय कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के बाद सैकड़ों बहुउद्देशीय कर्मचारी सड़कों पर उतरे और पुलिस थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक जिंदा महिला और जमीन पर डालकर उस पर सफेद चुन्नी डाल दी और पुलिस थाने में उसके आसपास बैठकर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ रोना धोना शुरू कर दिया। बहुउद्देशीय के साथ साथ कई अन्य यूनियन भी थाने में पहुंच गईं, साथ ही सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस की आश्वासन के बाद यहां से महिलाओं ने धरना प्रदर्शन तो समाप्त कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने उनके साथियों को नहीं छोड़ा तो वह फिर से ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारी डिमांड एक साल से चल रही है सरकार, हमारी एक तो 4200 ग्रेड पे की डिमांड है जो कि हमारे एचएम साहब ने भी अप्रूवल कर दिया है और सीएम साहब ने भी अप्रूवल कर दिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय में जो वो है फाइल हमारी अटकी पड़ी है, उनके साइन होने हैं, नोटिफिकेशन जारी होनी है और एक हमारी आरसीएच की बहनें हैं जो इनको पक्का करने की डिमांड है, लेकिन सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। हमारे तीन भाई कर्मचारियों को यहाँ रात को 11 बजे घर से दीवार लांग के उनकी उठा के ले आए और उनको यहाँ पे बंदी बना लिया। हमारी ये मांग थी कि उन भाइयों को रिहा करा जाए। ये हमने कल सीएमओ साहब की दरखास्त एक मुकदमा दर्ज किया है एसम एक्ट के तहत, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नोटिस के बावजूद, तो इसमें तीन व्यक्तियों के और 6 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें हमने तीनों को कल गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग यहाँ इकट्ठे हो गए आए थे, जिनको कि मैंने समझा दिया है भी मुकदमा दर्ज है, उसमें ये आरोपी हैं और उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया। बढ़ते आगे सिरसा से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में डीपीएड और सीपीएड की डिग्री कोर्स को एनसीटीई से अप्रूवल न मिलने के विरोध में पिछले कई दिनों से इस कोर्स से जुड़े छात्र धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय में इन छात्रों के समर्थन में कई छात्र संगठनों से जमकर बवाल काटा और छात्रों ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की गाड़ी को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 मार्च तक इस मामले का समाधान करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। छात्र नेता दयानंद शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब छात्र शांत नहीं रहेंगे और वाइस चांसलर को विश्वविद्यालय में तब तक घुसने नहीं देंगे जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारी फिजिकल एजुकेशन के 4 ऐसे विद्यार्थी जिनकी सिलेक्शन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली गवर्नमेंट में किसी कोच के पद पे या फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर के पद पे होनी थी, उनको डीबार कर दिया गया क्योंकि इसके एनसीटी से अप्रूवल नहीं है। इस वीसी ने इतनी इरेगुलरिटीज इस यूनिवर्सिटी में कर रखी हैं जिसका कोई मतलब एक गिनती करें तो सैकड़ों की लंबी लिस्ट है। इसको फुर्सत नहीं है एकेडमिक अफेयर्स को डिस्चार्ज करना, इसकी फुर्सत नहीं है कि हमारी फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चों की अप्रूवल की वजह से, जिनकी नौकरी के ऊपर बीपीएड की अप्रूवल की वजह से नौकरी के ऊपर तलवार चल रही है, वो बच्चे बहुत से दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमने निर्णय लिया कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर जो भी जितने भी छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एसएफआई, इनसो, एनएसयूआई, एएसएफ, एचएसए, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं और भी कुछ छात्र संगठन है, उन सब ने हमने मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और उसका यही है कि इन बच्चों का इसने कमिटमेंट किया था रजिस्ट्रार और वीसी ने कि 7 तारीख तक हम अप्रूवल लेके दे देंगे। आज तक हम इसलिए शांत थे कि हो सकता है ये कुछ कागज पत्र लेके आए हूँ, अब एक बच्चों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि एक पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट आएगा, उसके बाद राज्यसभा, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, राज्यसभा में जाएगा और फिर
और हम जो है चाहे इसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय कुछ से ऐसे छात्र थे फिजिकल, उन्होंने कहा सर आप लिख के दे दीजिए कि हमारे पास फंड्स भी हैं, हमारे पास फैकल्टी भी प्रॉपर है, हमारी बिल्डिंग्स भी हैं और हम सारे पैरामीटर सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये बात लिख के देने के लिए दोनों तैयार नहीं थे। देखिए जब से ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है 2003 से, यहाँ पे पहले CPED कोर्स चलता था, उसके बाद में DPED और BPED कोर्स चलते हैं। इन कोर्सेज की मान्यता NCT से होनी है और वहाँ पर हमने समय के अनुसार इन टाइम अप्लाई किया हुआ था। उन्होंने ये पिछले कई वर्षों की बात है, मेरे समय की नहीं है, और वहाँ उन्होंने जो जो डेफिशिएंसीज बताई NCT ने इन कोर्स की मान्यता के लिए, वो हमने समय समय पर पूरी की हैं। अब भी उनकी जो है कुछ डेफिशिएंसीज हैं वो हम लोग करके पूरी भेज रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में नहीं, देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में BPED और CPED या DPED MPED के कोर्सेज की मान्यता NCT से नहीं है, पिछले डेट से नहीं है, पिछले वर्षों बहुत सारे वर्षों से नहीं है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ ने भारत सरकार को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, MHRD को लिख कर के दिया है और उन्होंने मुझे बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार ने इस पे संज्ञान लेते हुए लोकसभा से ऐसा बिल पास किया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज मान्यता प्राप्त नहीं है, उन सब को बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली मान्यता मिल जाएगी। उसका यूनैनिमसली वो बिल पास हुआ है लोकसभा से, दूसरा राज्यसभा में वो होना है, जैसे राज्यसभा से होगा इन सब को बैक डेट से मान्यता मिल जाएगी। खबर पलवल से है जहां राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल पर ऐस्मा लागू किया हुआ है, उसके बावजूद भी पलवल सिविल अस्पताल में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार भले ही कर्मचारियों को जेल में डाल दे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पुलिस ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पलवल जिला सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ ऐस्मा के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने ऐस्मा के तहत करीब 140 स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसा है कि जो सरकार ने MPHE एसोसिएशन की जो मांग है उनके ऊपर जो है मांग है तो मानी नहीं है और ऐस्मा लगा करके जो है दमनकारी नीतियों को जो अपना रहे हैं। हमारे जो प्रोटेस्ट है वो जो है लगातार जो है चल रहा है और चलता ही रहेगा, चाहे वो जेल में ले जाए, चाहे गोली मारे, चाहे कुछ भी करे, हम अपनी मांगों पर अड़ी हैं। जो सरकार ये कहती है कि भाई जो है सरकार ने जो ये इंटरव्यू दे रही है कि भाई हमने जो है मांगे इनकी मान ली है, अगर जो मान ली है तो अधिसूचना जारी कर दे, हम अपनी दरी जो उठा लेंगे, अपने जो है प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे। सिविल सर्जन साहब पलवल की तरफ से कल हमें शिकायत मिली थी 138-140 आदमियों के खिलाफ, ऐस्मा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकार के हिदायतों के अनुसार हड़ताल प्रतिबंधित है। शिकायत मिली थी कि कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, उससे आम जनता को असुविधा हो रही है, जिनको हिदायत की जा चुकी है लेकिन वो लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने जापानी तकनीक का सहारा लिया है और ये कहा है कि अब ट्रैफिक लाइट खुद ही ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेगी। इसके लिए अगले सप्ताह से ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। जापानी तकनीक से सिग्नल को ऑटोमेटिक चलाने की तैयारी की गई है और अधिक जाम की स्थिति में ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिग्नल को बंद कर खुद ट्रैफिक ऑपरेट करते हैं। यही कारण है कि कई दफा उसमें देरी भी होती है और समय भी ज्यादा लगता है, लेकिन अब इस तकनीक का इस्तेमाल करके ट्रैफिक जवानों भी राहत मिलेगी और व्यवस्था भी समय अनुसार बनी रहेगी। जो ट्रैफिक पुलिस है वो गुड़गांव में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जो एक जापानी तकनीक है उसके ट्रायल करते हुए जो ग्रीन लाइट रेड लाइट है वो जिस साइड ट्रैफिक का दबाव होगा उस साइड से CCTV कैमरे लगेंगे और CCTV कैमरे के आधार पर
उस रेड लाइट को ऑटोमेटिक जो है ग्रीन कर देगी और उससे ट्रैफिक उस साइड का स्मूथ निकल जाएगा, फिर जिस साइड दबाव पड़ेगा उसी साइड जो है ना वो दोबारा से उसको ग्रीन करेगी, तो इस प्रकार से जो है ना ट्रैफिक की समस्या से काफी एक छुटकारा मिलेगा। बढ़ते आगे, यमुनानगर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क के बीचों बीच देखने को मिला है। यहाँ एक लड़की दूसरी लड़की की जमकर पिटाई कर रही है। आरोप है कि पिटाई करने वाली लड़की के पिता पर मार खाने वाली लड़की ने रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसे यह झूठा करार दे रही है। तो वहीं मार खाने वाली लड़की की माने तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। उसका कसूर बस इतना था कि उसने उसके पिता के खिलाफ थाने में 376 का मामला दर्ज करवा दिया था और अब इसकी कोर्ट में पेशी थी और उस पर इसकी गवाही भी थी। दरअसल गवाही न दे इसके चलते बाप बेटी ने दोनों ने मिलकर इसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कि मैं मेरे पापा जब जा रहे थे तो ये हमारी वीडियो बना रही थी। ये कई दिनों से हमारे पापा कहती थी कि पैसे दे दो, 376 की झूठी कंप्लेन देती है और ये कहती है कि मैं मुझे पैसे दो। जब इनको मना करते हैं तो ये हमारे पीछे लड़के लगाती है। 20-25 लड़के थे कल हमारे पीछे लगा रखे थे। जब उन्हें हमने इसको रोका, पूछा भी तुम ये क्यों कर रहे हो, ये हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो इसने हमसे कहा कि मैं तुम मुझे पैसे दे दो नहीं तो इतनी गंदी लैंग्वेज हमारे साथ बोलने लग गई। जब उन्होंने इसको मना किया तो ये हमारे साथ हाथापाई करने को तैयार होगी और इसने हमारे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। क्योंकि मैंने इसको 5 तारीख को गवाह दिया कोर्ट में, ये 376 का केस में ये अंदर गया हुआ था, उसमें गवाह थी मैं। दोनों सीमा और अशोक अंदर गया हुआ था, उसकी मैंने गवाह थे, इसलिए मैंने 5 तारीख को मैंने गवाह दिया। उसके बाद उसने पहले भी मुझे धमकाया था कि एक्चुअली तुमने अगर गवाह दी तो तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी, तो अपने हाल देख लियो क्या करूंगी जी। इस वजह से मुझे 6 तारीख को इसने पीटा। इससे चारों ने पीटा, ये सीमा, अशोक और इनकी घर, अशोक की मतलब जमाई है, सीमा की घरवाले और इनकी छोटी लड़की, ये सारों ने मिलकर मुझे पीटा जी। इस वजह से पीटा मुझे, और मुझे वहाँ पीटते समय 2-3 बंदे और भी था जो इनके मतलब पहचाना नहीं मैंने, मुँह कवर था थोड़ा, उन्होंने मुझे सीट को ले गया, मेरे साथ गलत किया। और बस मेरे से उसने ब्लैकमेल ही करवाया था, मेरे साथ उसने ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसे से मेरे साथ गलत हरकतें भी करा और करवाया गया भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार।